आधी कहानी पूरी करेंगे। ओह हाँ, जिसे मुझे सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा था। मैं तो कब से सोच रही थी कि हम कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी आधी कहानी कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, ये वही कहानी है जिसके लिए तुम मुझे पूरी रात परेशान करती रह गई। हाँ। फाइनली अब मैं तुम्हें वो कहानी सुना दूंगी। दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हो? वो लोग जरूर तैयार है। जल्दी लिली, तुम शुरू करो। वाओ, कितना सुंदर दिन है। हाँ, शायद पापा की फैमिली पहुँच गयी। हाँ। और कहाँ पहुँच गयी डेजी? वो लोग ग्रैनी और ग्रैंडपापा के घर पहुँच गयी, वो भी लंच के लिए। चलो, शुक्र है कि तुम्हें कहानी याद है। दोस्तों, क्या आपको आगे की कहानी याद है? हाँ, उन्हें जरूर याद होगी। ग्रैनी पिग, दरवाजा जल्दी खोलो, देखो हम आ गए। अरे, सब लोग इतने सरप्राइज्ड है जब उन्होंने दरवाजा खोल के देखा। पर लिली, मिस्टर लोग कहाँ से आए? वो बता तो रही थे। ओ डेजी, मुझे याद आ गया, उन्हें भूख लग रही थी इसलिए वो खाना ढूंढ रहे थे। और वैसे भी ग्रैनी पिग का खाना उन्हें बहुत पसंद है। टेस्टी। फाइनली डेजी, देखो ग्रैनी पिग आ गई। ओह हेलो ग्रैनी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे इतनी भूख लग रही है। देखो पापा भी कह रही है मुझे, चलो खाने के लिए चलते हैं। वैसे खाना रेडी है क्यों ग्रैनी पिग? हाँ, वो तो हमेशा टाइम से रखती है अपना खाना। चलो, बहुत भूख लग रही है, जल्दी चलो डेजी। हाँ। ये कौन है? ओ वेंडी वुल्फ। हेलो वेंडी वुल्फ। हेलो वेंडी वुल्फ। डेजी, वेंडी वुल्फ पापा से क्या पूछ रहा है? ओ वेंडी वुल्फ ये पूछ रहा है कि आज हमने क्या किया। तो चलो हम वेंडी वुल्फ को बताते हैं कि आज हमने क्या किया। हाँ, और उसे भी बहुत मजा आएगा क्योंकि जब हमने इतने मजे किए हैं तो उसे तो सुनने में बहुत मजा आएगा। हाँ वेंडी वुल्फ, तो सुनो, आज हमने फेरी टेल वुड में एक मैजिकल एडवेंचर किया। ओ वाओ, मजा आया। चलो डेजी, सब लोग खाने के लिए बैठ गए, चलो हम भी बैठ जाते हैं। हाँ, वैसे भी ग्रैनी पिग का लंच बहुत डिलीशियस है। हाँ, तो चलो पहले हम सबको बताते हैं कि हमारा एडवेंचर कितना मैजिकल था। हाँ, हमारा मैजिकल एडवेंचर पूरे गोल्डिलॉक्स और थ्री बियर्स की तरह था और एक लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरह था। वाओ, हमारा एडवेंचर में तो हमें मजा ही आ गया। हाँ, मुझे फेरी स्टोरीज बहुत पसंद है। मुझे भी फेरी स्टोरीज बहुत पसंद है। दोस्तों, आपको कैसी लगती है फेरी स्टोरीज? सबको फेरी स्टोरीज बहुत पसंद होगी और साथ में ग्रैनी पिग का लंच भी बहुत पसंद है। हाँ, और खास करके तब जब पापा फेरी स्टोरीज पढ़ा रही हो। और बताना, सबसे ज्यादा लंच किसको पसंद आया? एग्जैक्टली, मिस्टर वुल्फ को। उन्हें उनका लंच बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत भूखे थे। तो दोस्तों, हमारी प्यारी सी स्टोरी खत्म हो गई। इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि हमने आधी पढ़ ली थी। ओह हाँ, हमारी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ये बहुत मजेदार थी, है ना डेजी? हाँ, मुझे फेरी स्टोरी बहुत पसंद है। तो मुझे, और मुझे भी। तो भी मुझे पापा की फेरी टेल बहुत पसंद आई। और दोस्तों, आपको तो पक्का पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं।